शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए अभी से संगठन को मजबूत करने का नियोजन किया जा रहा है। 11 युद्ध एक बूथ की संकल्पना पर महीने भर में वार्ड से लेकर शहर कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी। वे प्रेस परिषद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्दी शहर कार्यकारिणी तैयार कर विभागीय अध्यक्ष, फ्रंटल व सेल प्रमुखों की नियुक्ति की जाएगी। हमारे महाराष्ट्र के प्रांताध्यक्ष माननीय श्री जयंत जी पाटिल साहब, हमारे देश के नेता प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, हमारे विदर्भ के नेता अनिल बाबू देशमुख साहब, इन्होंने जो यहाँ पे मुझ पर जो जवाबदारी दी है पार्टी को मजबूत करने की, वो पूरी तरीके से पूरे नागपुर शहर में आने वाले अभी जो इलेक्शन है उसमें आप लोगों को पार्टी कितनी मजबूत है उसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। महानगर पालिका हम हमारे 100 बल पे लड़ेंगे और 151 की 151 पूरी सीटें लड़ेंगे, और उसमें से अब कोई भाकित करना उचित नहीं है कि वो कितनी सीटें हम चुन के लाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा के हमारे पार्टी के, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथ में भी प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं। संगठन को मजबूत कर पार्टी मनपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने दम पर भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित रखते हुए महिला संगठन को भी मजबूत किया जाएगा। सभी समाज बांधों को उचित प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए सभी से संपर्क साधेंगे। प्रेस परिषद में शिवराज बाबा कुचर, प्रवीण कुंटे पाटिल, प्रकाश गजबी, आभा पांडे, शब्बीर अहमद विद्रोही, ईश्वर बालबुते, प्रशांत पवार, सलील देशमुख, वेद प्रकाश आर्य, वर्षा शामकुली, नूतन रेवतकर, लक्ष्मी सावरकर, जानबा मस्की, महेंद्र भांगी उपस्थित थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।